हनुमान चालीसा के बारे में आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो सिखाने वाला हूं, वो आपकी हनुमान चालीसा के पाठ को और पावरफुल बना देगा। मैं यहां पर आपको कोई नया मंत्र नहीं दूंगा, कोई नई क्रिया नहीं दूंगा और कुछ नया ऐड नहीं करूंगा। हनुमान चालीसा जैसी है वैसे ही मैं हनुमान चालीसा के एक सीक्रेट पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखने वाला हूँ, एक यौगिक पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर हनुमान चालीसा समझाने भी नहीं बैठूंगा लाइन बाय लाइन, मैं केवल हनुमान चालीसा का जो स्ट्रक्चर है उसे समझाऊंगा। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई। तो कुछ कहानियां ऐसा कहती है, सच हम भी नहीं जानते, लेकिन कहानियों के अनुसार ये कहा जाता है कि 17th century में जब तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया तो उन्हें जब हनुमान जी की मदद की जरूरत थी तो उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना शुरू की और इस प्रकार से जन्म हुआ हनुमान चालीसा का। लेकिन हनुमान चालीसा केवल 40 चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महादेरा, यहां तक ये केवल हनुमान चालीसा है। लेकिन स्टार्टिंग में जो दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधारी, और जो अंत में आता है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, तो ये जो स्टार्टिंग और एंड का दोहा है ये हनुमान चालीसा का भाग नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके सराउंडिंग में एनर्जी इन्वोक करती है। कौन सी एनर्जी, कैसी एनर्जी, इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट चीज़, एक ऐसी चीज़ जो शायद आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे। हमारे धर्म के अंदर दो प्रकार की पूजा होती है, दो प्रकार की चीज़ें होती है। एक कम्युनिटी में होती है जहाँ पर लोग साथ में मिलकर करते हैं, और एक पर्सनल होती है। इसी वजह से हमारे धर्म के अंदर लोगों के घरों में छोटे छोटे मंदिर होते हैं और बाहर बड़े बड़े मंदिर होते हैं। मंदिरों में लोग झुंड में मिलकर सब चीज़ें करते हैं, सब क्रिया करते हैं, घर में अकेले में पूजा करते हैं। जो साथ में मिलकर किया जाता है ना वो तो पावरफुल है। आप देखो हवन होता है, हवन बड़ी पावरफुल चीज़ है। आप भजन कीर्तन को देखो, अलग ही वाइब होती है। उसके बाद अगर आपको नहीं पता तो जब भी वैदिक चैंटिंग किया जाता है, जब भी किसी मंत्र का चैंटिंग किया जाता है, साथ में मिलकर लोग करते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, साथ में लोगों की आवाज़ें गूंजती और साथ में लोग मंत्र शुरू करते हैं। आप देखोगे उनके हाथ के मूवमेंट्स के साथ लोग झुंड में मंत्र गा रहे होते हैं। तो वो एक अलग ही पूरा प्रोसेस है, उसको शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उसको आप जब सेंसिटिव होगे तो फील कर पाओगे। आरती में जब लोग साथ में किसी चीज़ की आरती कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फॉर्म की आरती कर रहे हैं, किसी स्वरूप की आरती कर रहे हैं, आप देखोगे कि वो स्वरूप आपके सामने जिंदा हो गया, ऐसा फील करोगे। हाँ या ना, कमेंट में बताना आप ऐसा फील करोगे। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ तब फील की जाती है जब गणेश चतुर्थी होती है, गणपति जी का आगमन होता है और लोग झुंड में गणपति जी के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तब आप देखना, अगर सेंसिटिविटी से आप फील करोगे, आप देखोगे कि जो गणेश जी का स्वरूप है वो स्वरूप साक्षात आपके सामने आ चुका है, वो एनर्जी साक्षात आपको फील होना शुरू होगी। तो वो तो एक पर्सनल कम्युनिटी, पर्सनल नहीं, वो तो एक कम्युनिटी में जो पूजा की जाती है उसकी बात मैंने की, लेकिन ये टॉपिक उसका नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया। लेकिन जो पर्सनल पूजा है, पर्सनल पूजा में अगर कोई टॉप लेवल की पूजा है, अगर कोई क्रिया जो टॉप लेवल की है, तो वो है गुरु पूजा या इष्ट देवता पूजा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा प्रमाण है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने डिज़ाइन की थी, जिसकी मदद से आप कोई भी साधना या पूजा करने से पहले एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं। जब एक गुरु किसी शिष्य को दीक्षा प्रोसेस के अंदर साधना देता है, गुरु मंत्र देता है, उसके बाद वो उसे गुरु पूजा सिखाता है। क्यों? क्योंकि गुरु सब शिष्यों के पास नहीं पहुंच सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीका है जिसे गुरु पूजा कहा जाता है। इसकी मदद से जब आप साधना करने वाले हैं, जब आप गुरु मंत्र का पाठ करने वाले हैं, उसके पहले गुरु पूजा का पाठ करते हैं, गुरु पूजा क्रिया आप करते हैं, जहां पर गुरु की शक्तियों को इन्वोक किया जाता है, जो आपकी साधना में, आपके गुरु मंत्र के पाठ में आपको अलग प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराती है। आप गुरु की एनर्जी को साक्षात आपके रूम में महसूस कर सकते हैं। ये है गुरु पूजा। ये आप तब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक आपने गुरु पूजा को किया नहीं है, और गुरु पूजा एक गुरु के आने के बाद ही आप कर सकते हैं, या फिर आप इष्ट देवता के लिए पूजा कर सकते हैं। इष्ट देवता की पूजा के लिए मैं आपको आगे आने वाले समय में इनिशिएट करूंगा, लेकिन इस चीज को समझिए, गुरु पूजा
गुरु पूजा के अंदर एनर्जी को इन्वोक किया जाता है। गुरु पूजा की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं ताकि आपको समझ में आएगा। गुरु पूजा के अंदर ये पंक्तियां हैं, श्री फलम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, धूपम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम सब ने ये सुना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, हम सब ने सुना है, बचपन से हम गाते हुए आए। ये भी गुरु पूजा का एक भाग है, लेकिन ये पूरी गुरु पूजा नहीं है, बस गुरु पूजा का एक भाग है। लेकिन आप यहां पर देखिए, गुरु पूजा में आप देखना श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, उसी प्रकार से हनुमान चालीसा का जो स्टार्टिंग का दोहा है वो कैसे शुरू होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो ये जो दोहा है ये गुरु पूजा की तरह ही एक इन्वोकेशन है उस एनर्जी का जो कि आपकी हनुमान चालीसा के पाठ में आपकी सहायता करता है। अगर आप इस दोहे को समझोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इस दोहे का जो ट्रांसलेशन है वो आपको दे दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिए, उस दोहे का मतलब आपको पता होना चाहिए। और वो दोहे का मतलब अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे, आपके स्मरण में रखेंगे और उसके बाद उस दोहे का पाठ करेंगे, आपकी वो शरणागति वो इंटेंसिफाई हो जाएगी और आपकी हनुमान चालीसा के पहले एक पर्टिकुलर एनर्जी को इन्वोक करेंगे। ये दोहा खुद ये कहता है कि मैं गुरु के चरणों में नमन करता हूं, अगर मुझसे कोई गलतियां हो जाए या फिर कोई इम्प्योरिटीज हो जाए तो उसे नेग्लेक्ट कर देना। ये दोहा इतना पावरफुल है, इस दोहे की मदद से आप हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान कोई गलतियां भी करते हैं तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन आपको दोहे का मतलब पता होना चाहिए और उस दोहे को मानसिक तौर पर आपको करना होगा, मानसिक तौर पे आपको ये सोचना होगा कि वो जो दोहे में कहा जा रहा है वो आपके इष्ट देव हो जाए, चाहे वो हनुमान जी हो जाए, चाहे वो कोई भी इष्ट देव हो जाए या फिर आपके कोई भी गुरु हो जाए, उनके लिए आप ये कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी ने जैसे शिवमानस पूजा की रचना की थी, आप मन के अंदर महादेव की पूजा करते हैं, जिसका मैंने वीडियो डिटेल में बनाया है, जिसको आप हर रोज कर सकते हैं, आई बटन में लिंक होगी, जो ऊपर बटन आता है ना उसमें। तो उसी प्रकार से गुरु पूजा जो है, उसी प्रकार से ये जो स्टार्टिंग के दोहे हैं और एंड के दोहे हैं उसको स्मरण में रखकर अगर आप करोगे तो हनुमान चालीसा का जो पावर है वो और बेहतरीन हो जाएगा। अखंड ज्योति, आप सब जानते हैं हमारे धर्म के अंदर अखंड ज्योति को जलाया जाता है, मंदिरों के अंदर ज्योति को पूरे दिन जलाए रखते हैं या फिर कुछ भी घर में कुछ है शुभ काम है तो ज्योति दिया जो होता है उसे पूरा दिन जलाए रखते हैं। ये क्यों करते हैं, तो ये भी पर्टिकुलर ऐसी ही चीज़ है कि आप एक एनर्जी इन्वोक करते हो, आप अपने स्मरण में कुछ चीज़ रखते हो और वो दिया जलाते हो और फिर उस एनर्जी जो इन्वोक हुई है उसे वैसा ही रखने के लिए आप पूरा दिन दिया जला के रखते हो। और यही कारण है अखंड ज्योति जलाने का, अखंड दिया जलाने का, कि आप उस एनर्जी को इन्वोक करके रखते हो पूरा दिन। मंदिरों में अखंड ज्योति जलती है क्यों, क्योंकि मंदिरों में जब वैदिक चैंटिंग किया जाता है, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उस प्रकार से एनर्जी को इन्वोक कर दिया जाता है और इन्वोक करने के बाद वो दिया जो जलाया जाता है, वो जो साक्षी है, वो जो अग्नि है, वो उस एनर्जी को एवरी टाइम लाइफ टाइम तक एंडलेस उस एनर्जी को वहां पर इन्वोक रखती है। आजकल आप देखोगे तो अखंड ज्योति तो नहीं जलाई होती, लेकिन ये जो आरती का प्रोसेस है जो सुबह शाम किया जाता है वो भी इसी चीज़ के लिए किया जाता है कि वो जो पर्टिकुलर एनर्जी है उसे कॉन्स्टेंटली इन्वोक रखा जाए। इसी वजह से सुबह शाम आरती की जाती है मंदिरों में, कितने सालों से चला आ रहा है, हर रोज सुबह शाम आरती होती है। क्यों, क्योंकि वो जो एनर्जी है मंदिर की उसे वैसा का वैसा रखा जाए और अखंड ज्योत भी वही करती है। गुरु पूजा के अंदर भी दिया जलाना होता है और जब तक साधना चलती है तब तक वो दिया जलता रहता है और वो दिया एक साक्षी है उस गुरु की शक्तियों का, उस इष्ट देव की शक्तियों का। और इसीलिए मैं आपको यहां पर सेकंड टिप देने वाला हूं हनुमान चालीसा को करने की। आप एक छोटी सी जगह बनाओ, एक छोटा सा टेबल, अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी का फोटो अगर आपके पास है तो उसे रखो, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप केवल एक टेबल के ऊपर जहां पर हनुमान जी का फोटो है या नहीं है दिया जलाओ। दिया जलाने के बाद उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठो उसी जगह पर हर रोज, और धीरे धीरे आपका वो जो रूम है जहां पर आप ये करते हो ना वो भी एक प्रकार की एनर्जी में वाइब्रेट करने लगेगा। और उस पर्टिकुलर जगह पर आप हर रोज करोगे दिया जलाकर तो वो दिया आपकी हनुमान चालीसा का साक्षी बन जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये लोग नहीं करते हैं, लोग कहीं पर भी बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं।
ये मत करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आप किसी जगह पर पर्टिकुलर एक जगह बनाओ, नीचे बैठो, दिया जलाओ हनुमान जी के सामने, और हनुमान जी के सामने वहां पर आप एनर्जी इन्वोक कर रहे हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, तो आप उनके सामने दिया जलाकर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वो जब गाते हो ना, तो वो एनर्जी इन्वोक होती है, और जब तक आपकी हनुमान चालीसा चल रही है तब तक वो दिया आपका साक्षी है, जो कि आपको एक अलग प्रकार से हेल्प करेगा। धीरे धीरे आप इस चीज को फील करेंगे अगर जिस प्रकार से मैंने बताया वैसे आप करते हैं तो। और हाँ, एक और बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि क्या हनुमान चालीसा को पढ़कर किया जाए या फिर मन में अगर याद है तो याद करके करें। देखो, ऐसी कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप हनुमान चालीसा को पढ़ के ही करो, हनुमान चालीसा को दिमाग में ही करो। आपको जैसे सही लगता है वैसे आप हनुमान चालीसा को कर सकते हैं। ये एक बड़ी कॉमन सेंस है कि ये जो हनुमान चालीसा है ये एक प्रकार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्रेटेड दोहा है, कॉन्सिक्रेटेड चौपाई है, कॉन्सिक्रेटेड लाइन्स हैं, जिसके अंदर खुद एनर्जी है। ये कोई मंत्र तो है नहीं, ये केवल लाइंस है, पोयम की तरह लिखी है, लेकिन उसको जब रचना की गई थी तो उस प्रकार से एनर्जाइज किया गया था कि आज भी अगर आप उसका पाठ करते हैं तो वो एनर्जी आपको हेल्प करती है। तो आप उसे पढ़ के करो, दिमाग से करो, उससे कोई लेन देन नहीं है। वो पर्टिकुलर आपके लिए वो चौपाई एनर्जाइज है और वो काम करेगी, पढ़ के या बोल के या दिमाग में याद रखिए तो उस प्रकार से। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई टाइम पे करना है, फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम पे करो, बेहतरीन है। अगर नहीं हो पाता तब भी दिन में कभी भी करो, लेकिन जहां मैंने जगह जैसे बताई वैसे करो, जगह पे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये नहीं है कि आप कहीं पर भी शुरू हो जाओ, नहीं, लोग आजकल ये करते हैं, हनुमान चालीसा बस में जा रहे, स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, सुन रहे। अगर आप सुन रहे हैं प्रॉपर वे में, ठीक है, तो सुनिए, एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं या फिर टाइम पास करने के लिए सुन रहे हैं, भजन सुनना है सुबह सुबह इसलिए सुन रहे हैं, परफेक्ट। लेकिन हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो अगर आप बस में बैठकर कर रहे हैं कान में लगाकर झुंड के साथ, तो वो काम नहीं करेगा। आप हनुमान चालीसा का कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। हनुमान चालीसा का लाभ तब आएगा जब आप पर्टिकुलर टाइम निकालकर अखंड ज्योति या फिर एक ज्योति जलाएंगे आपके सामने, और श्री गुरु चरण सरोज रज ये जो दोहा है उसका स्मरण करेंगे, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप इसे करके देखिए और आप खुद महसूस कर पाएंगे। जब बात आती है वुमेन्स की, तो मैं वुमेन्स को भी एक सीक्रेट चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए करना, लोग इसको मानते नहीं हैं, लोग इसको कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप वुमेन्स हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पीरियड्स में तो हनुमान चालीसा नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ 365 डेज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को दिमाग में रखना कि एक महिला होने के नाते हनुमान जी को पूजने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप हनुमान जी को अपना पुत्र मानो। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं हनुमान जी ब्रह्मचार्य थे, और हनुमान जी इन सारी चीज़ों से, जो रिलेशंस हैं वाइफ हस्बैंड के, उन सारी चीज़ों से दूर थे, ठीक है। लेकिन हनुमान जी का जन्म अंजनी उनकी माँ की कोख से हुआ था, और वही एक ऐसी महिला थी जिनके साथ हनुमान जी का संबंध था एक माँ के तौर पे। और तंत्र के अंदर हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, तो अगर आप अपने दिमाग में ये प्रैक्टिस लेकर आएंगे कि आप हनुमान जी को अपने पुत्र की तरह पूज रहे हैं, महिलाओं के लिए बता रहा हूँ, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग ये कहेंगे कि हनुमान जी भगवान है, उनको मैं कैसे पुत्र मान लूँ, लेकिन ये बड़ा ही पावरफुल तरीका है हनुमान जी की पूजा करने का, तांत्रिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो कि हम सब कर सकते हैं। अगर आप ये करो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन यथा इच्छति तथा कुरु आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपको एक अच्छा तरीका बताया हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए अगर आप एक महिला हैं तो। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताइए कि क्या आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, और क्या आपको हनुमान चालीसा याद है पूरी, और आप हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इतनी चीज़ों का जवाब दीजिए, और बस वीडियो को लाइक करिए और लोगों को तो शेयर करिए, तो लोगों को भी ये ज्ञान मिले। आपके घर परिवार में लोगों को बताइए ये वीडियो, ताकि वो भी समझ पाए एक योगिक पर्सपेक्टिव हनुमान चालीसा का। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। यथा इच्छति तथा कुरु। नमस्कारम।